वेलकम टू जसिंटा अलेक्जेंडर व्लॉग। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप कैसे हैं? हम यहाँ पे बहुत ही अच्छे हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग भी अपने अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे और मौसम का मजा ले रहे होंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दिल्ली में इस समय हल्की हल्की बारिश हो रही है, मौसम काफी ठंडा हो चुका है, गर्मी से बहुत ही राहत मिल गई है। मैं आपको दिखाता हूँ इस समय मौसम हो कैसा रहा है। मौसम देखिए गाइस, मौसम बिल्कुल बदली बदली सा हो रहा है, हल्का हल्का ड्रिजलिंग भी हो रहा है, बहुत ही जबरदस्त। हर तरफ गाइस ग्रीनरी, बिल्कुल पत्ते बिल्कुल गीले हो चुके हैं, बिल्कुल सही क्लीन बिल्कुल दिख रहे हैं, वरना इतने दिन से धूल मिट्टी हो रही थी, गर्मी हो रही थी, बिल्कुल गंदे हो रहे थे बिल्कुल। अब गाइस मौसम ऐसा हो तो किसी का काम करेगा मन करेगा, बस मन करेगा पकौड़े बन जाए, पापड़ बन जाए, चाय मिल जाए, पराठे मिल जाए, और क्या चाहिए। अब ये देखिए, मैं अभी भी दिल्ली कैपिटल्स के फील्ड में हूँ, परसों मैच देखने गया था, तब से मेरे को इतना हो गया टी शर्ट के लिए कि मैं इतना अटैच हो गया हूँ, टी शर्ट में उतार ही नहीं रहा हूँ। मेरी वाइफ कह रही है भाई पागल वागल तो नहीं हो गया, टी शर्ट चेंज कर लो। मैं कह रहा नहीं, ऑफिस से आते ही मैं वापस इस टी शर्ट में आ जाता हूँ। फील ये देखिए गाइस, हवा चल लग गई अचानक से। ओ बेटे की जान, लगता है प्लान बनाना पड़ेगा कहीं घूमने का। ऐसे मौसम देख के तो घर में रुकना भाई बेवकूफ़ी है, मन कर रहा बाहर निकलो आज़ाद परिंदे की तरह बिल्कुल। अरे बीवी सुनो ना, क्या भाई मौसम देखो बाहर का इतना बढ़िया हो रहा है, कुछ अच्छा से खिला दो यार। क्या बनाऊं अब यार, आलू को पराठे वगैरह बना दो, कुछ पापड़ वगैरह तल दो, मजा आ जाए। नहीं 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 नहीं, मैंने पास्ता चढ़ा दिया, आटा पास्ता बन रहा है, वो ही खाएंगे। भाई यार आप रोज में ऐसे सुबह पूछते हो क्या खाओगे, बिना पूछे बना दिया। मौसम देखो ना क्या मस्त हो रहा है यार, मेरा मन बन गया खाने का पराठे। अब मैंने वो चढ़ा दिया, बाद में देखेंगे, बाद में बना दूंगी। तुम्हारा तो जब देखो कुछ ना कुछ मन करता ही रहता है, उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। तो आटा पास्ता बन रहा है, हेल्दी खाओ यार। एक बात बताओ, तुमने कल देखा था भाभी को? कौन सी भाभी को? अरे वो वाली बिल्डिंग वाली भाभी जा रही थी, इतनी अच्छे सूट पहना हुआ था उन्होंने। कौन, गुप्ता जी की वाइफ? हाँ, तो बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने उनका सूट देखा, फिर मैं वही देखती रही काफी देर तक। तो फिर मैंने सोचा यार मेरे को भी सूट खरीदना है। तो भाई मैंने तो आपको कितना टाइम से बोला सूट पहना करो, सूट पहना करो, आप ही ड्रेसेस ऑल ओवर में घूमते रहती हो। हाँ, सूट तो पहनो कि मेरे को लेना चाहिए सूट वगैरह। तो मैं वही तुमसे बोलूंगी कि भाई मेरे को भी सूट चाहिए। अच्छा, तो मैं इतना टाइम से बोल रहा हूँ तो आपको नहीं चाहिए, अब आंटी ने पहन लिया। मॉल जाके जितनी ड्रेस होती है मैं सारी ड्रेसेस वगैरह की शॉपिंग करती रहती हूँ, मेरे को समझ नहीं आता सूट का। तो वैसे तो अच्छी लगती है, कल आपको कैसे अच्छी लग गई हो? सूट अच्छा लग रहा था मेरे। अच्छा सूट, मैं कहूँ अच्छी लग रही थी। नहीं सूट अच्छा लग रहा था, तो फिर मैंने बोल सकता, मैंने कहा मेरे को भी सूट लेना है। हाँ। तो फिर देखेंगे सूट, ऑनलाइन देख लूंगी कुछ। हाँ ऑनलाइन देख लो, वही ठीक रहेगा। तो गाइस मन तो बहुत था पराठे खाने का, लेकिन क्या करें, होम मिनिस्टर ने बोल दिया है कि पास्ता को चढ़ा दिया गया है। अब घर में वाद विवाद करने से अच्छा है भाई जो मिल रहा है खा लो, क्योंकि फिर उससे भी हाथ धोना पड़ जाएगा और भूखे पेट घर से निकलना पड़ जाएगा। अफसोस तो बहुत हो रहा है, लेकिन नहीं कोई बात है, जो मिल रहा है वही खा लेते हैं। तो गाइस फाइनली मेरी पास्ता आ गई है बनके। हाँ, मजबूरी ही सही, लेकिन गाइस देखने में तो अच्छी लग रही है। वो तो कोई बात नहीं, मेरे को अपनी वाइफ से काम निकलवाना आता है। कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में इमोशनल ब्लैकमेल करके कुछ ना कुछ बनवा लेंगे, अभी तो पास्ता से गुजारा कर लेते हैं, बाद में देखते हैं क्या करते हैं। ये गाइस आप भी फील लीजिए, देखने में काफी अच्छा लग रहा है। चले गाइस अब हम खाना शुरू करने वाले हैं, मेरे से तो रुका नहीं जा रहा है, तो वीडियो को करना पड़ेगा यही अंत, लेकिन जल्दी लौटते हैं दोबारा नए व्लॉग के साथ। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करिएगा, और प्लीज अपने भाई को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोज हमारे मिलते रहे। चलिए बाय बाय, टेक केयर।